कुर्सी लगा दो। ये थोड़ा सा जगह बना दो। कुर्सी दे दो उधर उस तरफ। पत्रकारों के लिए तो कुर्सी दे दो। और कुर्सी दो चंदन जी। कुर्सी पीछे से लेते आओ गजेंद्र, उधर से लेके आओ। दो उधर दो उधर। बैठ जाओ इस तरफ अपने। पत्रकारों को बैठने दो, बाकी लोग खड़े रहेंगे सब। पत्रकारों को बैठने दीजिए खाली। और कुर्सी और लगा दो जितना लगा। हाँ उधर लगा दो लाइट। और जो और तो जरूरत नहीं है। तो पीछे वाला बंद करा दें। शुरू करें। लाओ दो। हेलो हेलो सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जिस विषय पर बातचीत करने के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई है, जो पूर्वांचली भाइयों बहनों पर, पूर्वांचली लोगों पर, यूपी बिहार के लोगों पर, असम के अंदर जो एक संकट पैदा हुआ है एनआरसी के जरिए, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए आज की ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। और अब गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं पूरे देश में हम एनआरसी लागू करेंगे। इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे की साजिश क्या है? इसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी की योजना क्या है? उसका मैं आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं। भाजपाइयों ने कहा असम के अंदर एनआरसी लागू करेंगे, और पहले इन्होंने प्रचारित किया हम ये बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कर रहे हैं। क्या नतीजा निकला उसका? आज 19 लाख लोगों को एनआरसी रजिस्टर से बाहर कर दिया गया। उनसे क्या कहा गया? उनसे कहा गया 1971 के पहले का प्रमाण पत्र लाइए। 19 लाख लोग में कौन लोग हैं? 11 लाख बंगाली हिंदू, 4 लाख यूपी बिहार पूर्वांचल से जो बरसों से वहां लोग रहे थे वो लोग, और 4-5 लाख मुसलमान। आपने इस एनआरसी की नौटंकी के जरिए यूपी और पूर्वांचल बिहार के लोगों को पूरे देश से भगाने की एक बड़ी साजिश तैयार की है। और भाजपाइयों के इसी चेहरे को मैं बेनकाब करना चाहता हूं। 1971 के पहले का प्रमाण वो लोग मांग रहे हैं जो फर्जी डिग्रियां लेके मंत्री बने हुए हैं। वो हमसे प्रमाण मांगते हैं। पूर्वांचल के भाई बहन यूपी बिहार से जाकर आसाम में 30 साल से रह रहे हैं, 35 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं, रोजगार किया, व्यापार किया, मकान बनाया, घर बनाया, बेटे पैदा हुए, शादी की, उनका परिवार बसाया। अब आप उनसे कहते हो 71 के पहले का प्रमाण लाओ। जो व्यक्ति आसाम में 40 साल रह रहा है उसका बिहार में कोई प्रमाण मिलेगा क्या? उसका यूपी में कोई प्रमाण मिलेगा क्या? तो ना वो यूपी में उसके पास कोई प्रमाण, ना बिहार में कोई प्रमाण, ना आसाम में कोई प्रमाण, क्योंकि आपने तो 71 के पहले का प्रमाण मांग लिया। इसका मतलब अब वो पूर्वांचली भाई बहन, उनका परिवार अमित शाह के द्वारा बनाए गए शरणार्थी कैंप, जो गुलामों के लिए बनाया जा रहा है असम के अंदर, गुलामों की तरह वो पूर्वांचली भाई बहन हमारे वहां उन शरणार्थी कैंपों में रहेंगे।
वो अपने ही देश में विदेशी हो गए? यूपी बिहार के लोगों से इतनी नफरत करते हो भाजपाइयों तुम? महाराष्ट्र में तुम्हारी सरकार होती है वहां मार के पीट के भगाते हो, गुजरात में तुम्हारी सरकार होती है वहां मार के पीट के भगाते हो पूर्वांचलियों को, आसाम में लाखों पूर्वांचली भाई बहनों को तुमने एनआरसी रजिस्टर से उनका नाम बाहर कर दिया, वो ना बिहार के ना यूपी के ना आसाम के, कहां के हैं वो? उनको कहां का छोड़ा तुमने? अब वो शरणार्थी कैंप में रहेंगे? तो ये इनकी एक नौटंकी है, ये एक बड़ी साजिश है। और अमित शाह जब वो कह रहा है कि हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, इसका मतलब पूरे देश से पूर्वांचलियों को भगाने की एक बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। और मैंने इसी पे जब सवाल किया, अभी तक किसी भी भाजपाई नेता ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। पिछले 3 दिन से मैं पूछ रहा हूं, बताओ आसाम में जो पूर्वांचली भाई बहन थे, जो पूर्वांचली लोग हैं यूपी बिहार के, उनका नाम तुमने एनआरसी रजिस्टर से बाहर किया है, अब वो कहां जाएंगे? उनको अपने ही देश में तुमने विदेशी घोषित कर दिया, उनको अपने ही देश में तुमने गुलामों की तरह रखने की तैयारी कर ली है। तो इसके खिलाफ कल आम आदमी पार्टी की पूर्वांचल शक्ति की विंग, जिसके अध्यक्ष हमारे संजय भगत जी हैं, और हम सारे लोग जिसमें हमारे पूर्वांचल के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी जो खुद पूर्वांचल से आते हैं, हम सारे लोग कल 11 बजे से जंतर मंतर पर इस मसले को लेकर धरना और आंदोलन करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब करेंगे, पूर्वांचलियों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे देश से, महाराष्ट्र में भगाया भाजपाइयों ने मारा पीटा, गुजरात में भगाया मारा पीटा, और तुम इतने एहसान फरामोश हो भाजपाइयों, यूपी से सीट लेकर आते हो, बिहार से सीट लेकर आते हो, फिर महाराष्ट्र में पीटते हो हमारे भाई बहनों को, फिर गुजरात में मारते हो पीटते हो, फिर आसाम में उनको अपने ही देश में विदेशी घोषित करते हो, और अब पूरे देश से तुम कह रहे हो एनआरसी लागू करके पूर्वांचलियों को भगाएंगे। तो इस योजना को, इस साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। और इसी को लेके कल एक व्यापक आंदोलन जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति के द्वारा किया जाएगा। आज जिस प्रकार की खबरें असम से आ रही हैं, वो बहुत चिंता पैदा करने वाली हैं, खासतौर से यूपी बिहार और पूर्वांचल के लोगों के लिए। ये हम सारे लोगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है, और इसलिए इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। मैं यूपी बिहार की राज्य इकाई का आम आदमी पार्टी का इंचार्ज भी हूँ, 1-2 दिन के अंदर वहां की इकाई से भी बातचीत करके यूपी और बिहार के हर जिले के अंदर आंदोलन और प्रदर्शन होगा। एनआरसी लागू करके पूर्वांचलियों को पूरे देश से भगाने की जो भाजपा की साजिश है, उसको हम बेनकाब करेंगे। यही आपसे बताना था। और कल इन लोगों ने यहां पर एक प्रदर्शन की नौटंकी की, प्रदर्शन की नौटंकी भाजपाइयों ने की हमारे घर के सामने। मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम्हारी संख्या कम है, अच्छे से प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, जो मन में आए करो, मैं मौजूद रही हूं तब करो, बता के करो, चोरों की तरह मत करो। घर में माता जी थी उस समय, तुम लोग आके यहां पे हंगामा गुंडागर्दी प्रदर्शन कर रहे हो और संख्या भी ठीक से नहीं लाते हो। अरे 10-20-50 आदमी को लेके नहीं, 150 हम लोगों से लेके जाओ, 150 लोग हमसे ले लो, प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, लेकिन ये बताओ कि पूर्वांचल के भाई बहनों को तुमने आज अपने ही देश में विदेशी घोषित क्यों किया? आज वो गुलामों की तरह शरणार्थी कैंप में रहने के लिए मजबूर क्यों है असम के अंदर? और आज क्यों ऐसी परिस्थितियां तुम पैदा कर रहे हो कि पूरे देश में एनआरसी लागू करके पूर्वांचलियों को भगाने की तुम्हारी साजिश है? इतनी बात आपसे करनी थी। कल 11 बजे से जंतर मंतर पे हमारा आंदोलन होगा आम आदमी पार्टी पूर्वांचल शक्ति की ओर से। अब मैं संजय भगत जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे अनुरोध करूंगा अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जितने हमारे मीडिया कर्मी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और जैसा कि हमारे माननीय सांसद श्री संजय सिंह जी ने बताया कि जो भाजपा का जो ये प्रायोजित ये कार्यक्रम जो पूर्वांचल वासियों के खिलाफ पूरे देश के अंदर चल रहा है,
उसके खिलाफ हम लोग कल 11 बजे जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम अपने सभी पूर्वांचल के भाइयों से ये अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आप लोग एक पूर्वांचल की जो ताकत है, जो अरविंद केजरीवाल जी ने आप लोगों के प्रति जो अपनी आप लोगों के सम्मान को बढ़ाने के लिए इन्होंने जो इतने कार्य किए हैं और वो सोच रहे हैं, उन बातों को सही साबित करके कल दिखाना है और 11 बजे सभी लोग धरना प्रदर्शन में जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, अगर दिल्ली में भी अभी 71 के पहले का प्रमाण पत्र मांग लिया गया तो यहाँ सब यूपी बिहार वाले सब लोग हैं। किसी के पास है 71 के पहले का? किसी के पास है? तो सबको यहाँ से भगाने की साजिश है तुम्हारी। विजय गोयल पहले ही बयान दे चुका है कि यूपी बिहार पूर्वांचल के लोग ही दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है। तो हम लोगों को तो तुम पहले से ही समस्या मानते हो और पूरे देश से भगाने की साजिश कर रहे हो। तो इसलिए ये कल का आंदोलन हम लोग बड़े पैमाने पे जंतर मंतर में करेंगे। कोई और प्रश्न किसी का?